नमस्कार, मैं उनसैनी, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड, सच की आवाज़। आपने एक गाना सुना होगा, इंतहा हो गई इंतजार की, और ये गाना आज कनिष्ठ सहायक अभ्यर्थियों पर बिल्कुल फिट बैठ रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कनिष्ठ सहायक अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर पिछले कई वर्षों से धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं और आयोग का दरवाजा भी खटखटा रहे हैं। वर्ष 2020 में कनिष्ठ सहायक की परीक्षा हुई, उसके बाद रिजल्ट आया और जो अभ्यर्थी हैं वो चयनित भी हुए, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं मिल पाई है। इसी को लेकर आज फिर एक बार कनिष्ठ सहायक अभ्यर्थी UK SSC का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं। जानकारी लेंगे उन्हीं से। आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम सुमित असवाल है, मैं पौड़ी गढ़वाल से हूँ। सर, ये कनिष्ठ सहायक के हम कनिष्ठ सहायक परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी है। सर, इस कनिष्ठ सहायक परीक्षा का विज्ञापन 3 साल हो चुके हैं सर, अब चौथा वर्ष प्रारंभ हो चुका है। सर, हम सर बहुत परेशान हैं आयोग के रवैये से। सर, आयोग हर बार फीताशाही का रवैया अपना रहा है कनिष्ठ सहायक की बढ़ती के खिलाफ। सर, आयोग हमें स्पष्ट नहीं बता रहा है। आयोग जो स्टेटमेंट आयोग के 7 महीने पहले था, सचिव साहब को 8 महीने हो चुका है सर आयोग में ज्वाइन किए हुए, और अध्यक्ष साहब को 7 महीने हो चुका है आयोग को ज्वाइन। जब वो नए ज्वाइन करे थे तो उन्होंने कहा था कि मैं छात्रों का अहित नहीं होने दूंगा। सर, हमारा आज भी हित तो हो ही नहीं रहा है तो अहित तो हो ही रहा है ना। सर, हम लोग परेशान इतने हैं कि हम लोगों को ये नहीं पता है कि आयोग हमारा कब DB की प्रोसेस स्टार्ट करेगा। सर, हमारी आयोग के अध्यक्ष अभी भी हम विनती कर रहे हैं। सर, हम और क्या कर सकते हैं सर, क्योंकि सर आप इसमें इस परीक्षा का 1 साल होने वाला है सर, नेक्स्ट मंथ हमारी परीक्षा का रिजल्ट आया हुआ है। सर, अब आयोग यह स्पष्ट बताए कि हमारा DB कब से स्टार्ट करेगा। सर, हम यही मांग करते हैं सर आयोग के सर अध्यक्ष साहब से। सर, 4 साल लगभग 3 साल खत्म होने के बाद 3 साल खत्म हो गए, चौथा साल लग गया है, करीब पंचवर्षीय योजना बनकर रह गई है। क्या लग रहा है कि कब नियुक्ति मिल पाएगी, और नियुक्ति मिलेगी भी तो कब? सर, नियुक्ति का सर एक प्रोसेस है, हमारा टंकण का रिजल्ट आएगा, जब तक टंकण का रिजल्ट नहीं आएगा, चाहे कोई भी है सर, उसका एक प्रोसेस है, जब तक टंकण का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक DB नहीं होगा, जब तक DB नहीं होगा तब तक हमारी नियुक्ति नहीं हो पाएगी। हमारा टंकण का हमारा DB हो जाए, हमारी नियुक्ति, हम सर उसके लिए भी प्रयास करेंगे। सर, हमारा पहला स्टेप ये है कि हमें अपना रिजल्ट चाहिए, टंकण का रिजल्ट चाहिए, और हमारी DB की प्रोसेस स्टार्ट हो। सर, तो ये कब ये आपका रिजल्ट आने वाला था? और सर, हमें 31 तारीख को संवाद में जारी किया था, संवाद क्या आयोग का जो संवाद होता है एक ऑफिशियल स्टेटमेंट हो गया, जैसे गवर्नमेंट का GO हो गया। सर, वो उसमें ये बोला गया था कि हम कनिष्ठ सहायक परीक्षा का मार्च द्वितीय हफ्ते में इसका फाइनल रिजल्ट जारी करके, टंकण का रिजल्ट जारी करके इसका DB स्टार्ट करा देंगे। सर, लेकिन मार्च द्वितीय हफ्ते क्या चौथा हफ्ता लगने वाला है सर कब से, लेकिन अभी तक प्रोसेस में सर कुछ नहीं। हम 9 तारीख को भी आयोग के संपर्क में थे, आयोग से हमारी सर से भेंट हुई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि हम तुम्हारा मार्च 15 को तुम्हारा रिजल्ट जारी कर देंगे, और मार्च 20 से हम तुम्हारा DB स्टार्ट करा देंगे। सर, वो अभी भी मतलब इस तरीके का बोल रहे हैं कि बच्चों को कि जाओ, कि मतलब एक नई तारीख को देख के, एक हर बार हम आते हैं हमें कोई ना कोई नई तारीख मिलती है। सर, हम उस तारीख को आयोग हमें तारीख दे रहा है, तो आयोग अपने लिए भी तो एक डेडलाइन सेट करे, गवर्नमेंट को भी आयोग की एक डेडलाइन सेट करनी चाहिए कि आयोग इस परीक्षा को इतने निश्चित समय में पूरा कराए। सर, क्योंकि सर इससे छात्र में भी सर बहुत परेशान है। हमारा कोई ये काम नहीं है कि हम आयोग में जाए, आयोग में जाके अधिकारियों को परेशान करें। सर, हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम परीक्षा देंगे, हमें रिजल्ट चाहिए, अगर हम चयनित है, अगर हम नहीं हमारा नहीं चयन हुआ है तो हम आगे परीक्षा के लिए पढ़ेंगे, अगर हमारा चयन हो गया है तो आयोग उसका आउटपुट दे सर, हमारी हमें हमारी मेहनत का परिणाम। अगर वो नहीं देते तो सर हमारी उनसे लास्ट ये विनती है, सर अगर आप नियुक्ति नहीं दे सकते ना तो हमें मुक्ति दे दो। सर, जो अभ्यर्थी है यही कहना है कि अगर नियुक्ति नहीं दे सकते तो मुक्ति दे दीजिए। आप कहाँ से हैं, क्या नाम है? सर, मेरा नाम अंकित रावत है और मैं टिहरी गढ़वाल से हूँ। 3 वर्ष बीत गए हैं, अभी तक आप नियुक्ति नहीं मिल पाई है, क्या कुछ कहेंगे आयोग को लेकर? सर, हमारी भर्ती को कम से कम 3 साल से ऊपर हो चुके हैं, 2020 में हमारी भर्ती की विज्ञप्ति जारी हुई थी, 2021 में हमारा एग्जाम होता है, और 2022 में हमारा जो रिजल्ट होता है और उसकी टाइपिंग टेस्ट होता है वो होता है, लेकिन उसके बाद हमारी भर्ती प्रक्रिया कुछ भी आगे नहीं बढ़ पाई है, उसमें 0 प्रोग्रेस हुई है, और जो आयोग है वो हमेशा लेट लतीफी वाला बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मार्च 2nd वीक तक, इसी महीने 7 से 15 यानी 15 मार्च के बीच हम हमारा मेन रिजल्ट जारी करके टाइपिंग मतलब आगे DB करेंगे, लेकिन इस बारे में भी आगे कोई 15 मार्च बीत चुका है, आज 20 मार्च हो चुका है, तो अभी तक ना उनकी तरफ से कुछ संवाद जारी हुआ है, ना इस बारे में कोई मतलब कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ उनकी तरफ से, तो आगे कुछ भी मतलब बहुत ही लेट कर रहे हैं आयोग। आपका नाम क्या है? उमेश सिंह रावत। कहाँ से? जी, मैं पौड़ी। क्या लग रहा है, एक और देख प्रदेश में करीब 68,000 से ज्यादा पद खाली है, और एक और देखे कनिष्ठ सहायक की भर्ती को, 3 साल बीत गए हैं, चौथा साल लग चुका है,
अभी तक कोई नियुक्ति नहीं मिल पाई है, क्या कुछ है? सर एक्चुअल में पहली बात तो यह है कि जैसे मेरे दोस्त ने बोला है कि आप क्या करें कि गवर्नमेंट जो है गाइडलाइन सेट करे। हम बोलते हैं कि चाहे अधीन सेवा चयन आयोग चाहे लोक सेवा आयोग, आप पर वीक जो होता है लास्ट में आप सचिवालय में इनकी रिपोर्ट मांगे कि इन्होंने एक हफ्ते में ये कर क्या रहे हैं, कितने अधियाचन आते हैं, कितना आता है। सर वो मैटर तो अलग है, वो ना हमारी समझ में आता ना कुछ आता कि कितने पद आए हैं, कितने चले गए हैं, क्या कर रहे हैं। आप ये बताइए कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है बच्चों का भविष्य बनाने की, बच्चों को मतलब उनके पैरों पे खड़े होने की, तो आप अगर पहले जब वो पद रिलीज करेंगे आप बच्चों का भविष्य बनाएंगे तो बेरोजगारी तो अपना आप दूर होगी ना। ये पद कहाँ से बढ़ रहे हैं? ये पद इसलिए तो बढ़ रहे हैं सर क्योंकि आज जो हम बच्चे हैं 750 हम बच्चे हैं, हम पिछले आप ये लगाइए कि एक साल पहले हमारा रिजल्ट आ रहा, अभी एक साल तक हमारे उसमें कोई प्रोसेस नहीं है, तो हम तो हर पेपर देंगे ना। तो क्या हम, अरे अगर हम पेपर दे रहे तो आवेदकों के बेसिस पे हम भी तो काउंट होंगे। लेकिन ऑलरेडी अगर देखा जाए तो हम 750 बच्चे जो ऑलरेडी जॉब में है, एक तरीके से अगर हमको नियुक्ति मिल जाती है टाइम पे तो वो 750 बच्चे अपने आप दूर हो जाएंगे। आप बेरोजगारी का मतलब आंकड़ा कैसे लगाएंगे, अगर चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे कुछ भी? आप क्या करते हैं, आप देखते हैं कि आपने भर्तियां निकाली, अब आप देखते हैं आवेदक कितने हैं। भाई 2.5 लाख भर रहे हैं, 2.5 लाख कौन है ये बच्चे, कहाँ से आ रहे हैं 2.5 लाख? बेरोजगारी तो है, इसका मतलब आप नियुक्ति देने में हर चीज देने में असफल हो। अब बात आती है सर हमारी भर्ती की प्रोसेस की। आप मेरे को एक चीज बताइए कि सर आयोग है इतना बड़ा, आप आईएएस पीसीएस लेवल के अधिकारी बैठे, आपका आईक्यू लेवल कितना ऊपर होगा? सर हमसे तो बहुत ऊपर होगा ना आईक्यू लेवल। बचकाने सी बात, बचकाने से बयान। सर आप एक चीज बताइए कि आयोग के अंदर बैठे हुए अधिकारी जिन्होंने काम करना है उनको खुद नहीं पता कि हमने कब करना है और कैसे करना है, और हमें बोला जाता है कि आप हम पर विश्वास रखिए, आप सांत्वना रखिए, हम गेट के बाहर खड़े हैं, हमें बोला जाता है कि आप डेली अगर अंदर आओगे तो भाई हमारे काम में डिस्टर्बेंस हो रही है, आप हमको डिस्टर्ब मत करिए। तो हम कहते हैं सर कि आप हमें एक गाइडलाइन दे दीजिए या आप बोल दीजिए कि कब होगा। तो वही चीज हमने 30-31 तारीख को करी थी जनवरी में, बड़ी मुश्किल से 2 दिन जब हम यहाँ पूरे दिन भर शाम तक बैठे रहे तब जाकर एक संवाद आता है हमारे लिए, उसमें कहा जाता है कि भाई 15 मार्च के बाद आपका डीबी करवा दिया जाएगा और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन सर हमने 31 जनवरी से लेकर 15 मार्च तक यहाँ एक भी बच्चा नहीं आया है, हमने तो आयोग के काम पे कोई विघ्न नहीं डाला, तो काम हुआ क्यों नहीं? उसके बीच में आप एग्जाम कंट्रोलर लाते हो, क्या एग्जाम कंट्रोलर सिर्फ 2 एग्जामों के लिए थी? आपका एलटी का और रैंकर्स का, इनका रिजल्ट निकाला एग्जाम कंट्रोलर का, ट्रांसफर कर दिया गया। अब अगर नया एग्जाम कंट्रोलर आते हैं और अगर वो 6 महीने फिर उनको लगता है काम सीखने में तो हमारी भर्ती तो और पीछे चली जाएगी ना। ये सारे बयानबाजी जब हम सुनते सर तब हम जाकर आयोग के पास आते सिर्फ एक चीज में कि आप एक अधिकारी हो, हम उनके बच्चे जैसे, हमारे वो अभिभावक हैं, एक अभिभावक हमारे घर पे हैं, वो हमको देख के रो रहे हैं और ये हमें रुला रहे हैं, हम किसके पास जाएं? ना हम इधर जा सकते ना हम उधर जा सकते, क्या हमको रोड़ों पे आना गेटों पे खड़े होना अच्छा लग रहा है? आयोग की नाकामयाबी है, सरकार की नाकामी, तभी तो हम यहाँ पर खड़े हैं। अगर हमको हमारे समय पर नौकरी मिल जाएगी तो हम गेट पे क्यों आएंगे? हमारे सर हर त्यौहार खराब हो गए, दिवाली हो, होली हो, क्या न्यू ईयर होता है, सब कुछ खराब हो गया। अब यहाँ पर खड़े होके सर देख भी रहे होंगे तो मैं उनसे हाथ जोड़कर यही बोलता हूँ कि सर नवरात्रे शुरू हो रहे, कम से कम कुछ तो अच्छा कर दो हमारे सर, एक कम से कम खुशी हमको दे दो। वही है हमारी बात की, या तो नियुक्ति दे दो या मुक्ति दे दो, नहीं हो पा रहे तो हम भी परेशान हो चुके हैं सर। कितने बार हम उठ उठ के आते रहेंगे, घर वाले बोलते कहाँ जा रहे, क्या बोले उन्हें, आयोग जा रहे, क्या करने जा रहे हो, निकले नहीं क्या तुम अभी तक, क्या हुआ तुम्हारा? हमको सर फेस करना होता है समाज को हर जगह पे, लेकिन आज तक कभी भी हमारे समतुल्य जितने भी और युवा हैं कुछ हैं उनको भी तो सीख मिलेगी ना। किस भर्ती में सर उत्तराखंड, आप भी इधर अच्छे से जानते हैं, कौन सा एग्जाम ऐसा है जो एग्जाम होता है उसका रिजल्ट हो जाता है और एक साल तक उस पर कोई प्रोसेस नहीं होती? ये तो सर मतलब हद है ना। फिर एक, आप जुबान के पक्के नहीं हो। 9 जनवरी को हम यहाँ पे आते हैं, मार्तुले सर वहाँ पे खड़े होते हैं तो हमको देखते ही बोल देते हैं कि भाई 15 को तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है, 20 से तुम्हारा डीबी है, मुंह से बोल दिया। हमने तो मान लिया ना कि भाई अधिकारी हैं, हमारा दुख दर्द समझ रहे हैं, हम तो उन पे बहुत बिलीव करते हैं कि यार वो सही बोल रहे हैं, हम आ गए वापस 15 के, आज 20 तारीख हो गई, कुछ है ही नहीं। फोन करके अपनी भर्ती की प्रोसेस पूछते हैं कि सर प्रोसेस बता दीजिए क्या हो रहा है, 15 तक हो सकता है? तो अलग अलग चीजें सुनने को मिलती है, कोई कहता है भाई बहुत लंबा प्रोसेस है तुम्हारा, कैसे हो जाएगा 15 तक, कोई कहता है जी एग्जाम कंट्रोलर नहीं है कैसे हो जाएगा तुम्हारा 15 तक, कोई कहता है प्रोग्रामर नहीं है कैसे हो जाएगा तुम्हारा 15 तक। सर इतने सारे सवालों के जवाब हमको कौन देगा? और आप ये बताइए, अगर जवाब तो आप देंगे, आपका वे कैसा होना चाहिए जवाब देने का? आप एक अधिकारी हैं, आपका आईक्यू लेवल हमसे बहुत ऊपर है, आप सच बोलिए ना। 31 तारीख को भी सर जब हमने घेराव करा था तो हमने आयोग पर ही ये बात डाली थी कि आप जब कैपेबल हो आप हमको एक डेट दे दो। हमने ये तो नहीं बोला कि आप हमको 15 मार्च की डेट दो, हमने बोला आप कैपेबल हो आप डेट दे दो, वो आयोग ने अपनी तरफ से डेट दिया तो आप उस डेट पे काम होना चाहिए ना, क्योंकि आप तो सब चीज देख के डेट दे रहे हो। लेकिन आज तक सर कुछ नहीं, आज 20 तारीख हो चुकी है, हम कब तक लड़ते रहेंगे, कब तक मरते रहेंगे? करीब 3 साल कम नहीं होते लगभग, जो एक अनिश्चय आपकी भर्ती है, एक पंचवर्षीय योजना बिल्कुल सर क्या गई, एक तरफ प्रदेश में बेरोजगारी इतनी है,
और सरकारी विभाग में देखें तो करीब 68,000 से ज्यादा पद खाली है। क्या लग रहा है फिर भी युवा सड़कों पर है, अपनी भर्ती को लेकर आवाज प्रदर्शन युवाओं को करना पड़ रहा है? सर, जब तक उत्तराखंड में आश्वासन की राजनीति और आश्वासन के ही अधिकारी आयोगों में बैठे होंगे ना, तो यही होगा इस राज्य का। आप मेरे को एक चीज बताइए, सरकार पद निकालती है, बच्चे आवेदन करते हैं, आप एक गाइडलाइन रखो ना कि आप भाई 2 महीने में रिजल्ट निकालो, 2 महीने डीबी करा के 6 महीने में इनको कर दो पार। अगर 6 महीने में हर भर्ती में किसी की प्रोसेस हो रही है तो वो बच्चे बेरोजगार कहाँ से रहेंगे? और विभागों में जो 68,000 पद खाली हो भरेंगे नहीं। आप यहाँ से नियुक्ति किसी को देना नहीं चाहते, आप लटका के रख रहे हो, तो वहां 68,000 की जगह में कौन जाएगा काम करने? जाएगा कौन? फिर आप एक ही काम कर सकते हो, फिर आप डेली वेज में रख देते हो, डेली वेज में ही रखते हैं ना, और सरकारी जो होते हैं उनको लटका के रखो। तो हमको, अगर हम ही अपनी बात नहीं कर रहे सर, हम हर भर्ती की बात कर रहे हैं कि त्वरित निर्णय होना चाहिए। यहाँ आश्वासन की राजनीति, आश्वासन वाले अधिकारी नहीं बैठने चाहिए, यहाँ अधिकारी और सरकार होनी चाहिए, बोल्ड स्टेप वाली। क्या लग रहा है कि जो आश्वासन मिल रहे हैं आयोग की तरफ से, जो आयोग भर्ती में नियुक्ति में आपकी देरी हो रही है, क्या कारण आप मानते हैं कि ये जो देरी हो रही है किस वजह से हो रही है? सर, मैं एक चीज जरूर समझाऊं, वो चीज मैं आपसे कहता हूं विद प्रूफ। वो चीज ये है, मुझे और चीज का नहीं पता, पर मुझे जो हमारा परिप्रेक्ष्य चला है भर्ती का, इस पे मैं एक चीज मैं मान सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ। सर, आप मेरे से पूछ रहे हो ना कि भाई क्यों नहीं हो रहा होगा, क्या रीजन हो सकता है, मैं सर एक चीज ये मान सकता हूँ कि हमारी 8 भर्तियों की जांच चल रही थी, जिसमें LT भी इंक्लूड थी। 8 भर्तियों की जांच होती है और उसके बाद LT को क्लीन चिट देके हमारी 7 भर्तियों के लिए विधिक राय मांगी जाती है। 9 जनवरी को करीब विधिक राय ले ली जाती है, क्लियर हो जाता है। आपने LT को रख दिया पहले, ठीक है, वो बड़ी भर्ती है, उनका आधो का हो चुका था, ठीक है, हमें उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन सर, आप एक चीज मेरे को बताइए कि अगर आप रोजगार देने के इच्छुक हैं, अगर आप देना चाहते हैं, या आपको किसी भी तरीके से कोई मतलब ऊपर से ऑर्डर मिला, क्या मिला है, आप अगर रोजगार देना चाहते हैं, तो सर आप एक चीज बताइए, एक जगह आप 1500 बच्चों की भर्ती निकालते हैं, आप उनको रोजगार दे रहे हैं, क्योंकि वो ज्यादा है, वहां ज्यादा बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है। उसके बाद आप किस पे जाएंगे? जो सेकंड हाइस्ट होगी भर्ती, उन 7 भर्ती में हमारी है, हमारे उसमें 750 पद है, लेकिन हमारा कहीं पर लिंकअप नहीं किया गया, हमको डाल दिया गया पीछे, ये क्या कहते हैं, LT के पास सीधा रैंकर्स आ गया। तो सर, मैं इससे एक चीज जरूर सिखाऊं, और मैं वो खुलेआम ही बोलता हूं कि यहां उत्तराखंड का अब ये हिसाब हो चुका है कि आप पहले पेपर दो, सिंपल, आप अगर मेरिट में आते हो तो अब आपका तीसरा काम क्या है, अब आपका तीसरा काम है कि अब आप अपने अराउंड जान पहचान वालों से आयोग या सरकार किसी में प्रेशर डालो, तो आपका काम यूं हो जाएगा, वो LT और वो क्या कहते हैं आपका रैंकर्स, क्लियर हो गया। स्टेनो है, फाइल अटकी हुई है, नहीं गई चयन संसूची अभी तक, हम है, हमारा कुछ हो ही नहीं रहा। तो सर, हम ये क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि हमारी आवाज उठाने वाला कोई है ही नहीं, हमारे पीछे कोई नहीं है, हमारे बिहाफ में कोई अंदर नहीं जाता है, जो करना है हमने करना है, और हमें कुछ नहीं समझा जाता, तो हमारी भर्ती में प्रोसेस कैसे होगी? मेन रीजन तो यही है ना सर, अगर मैं ये ना मानूं तो क्या मानूं? इसके अलावा मेरे को कोई दूसरा रीजन दे दे कि भाई ये नहीं, ये रीजन हो सकता है। अगर आप कहते हो कि भाई प्रोग्रामर नहीं है, कुछ नहीं है, तो LT का भी रिजल्ट निकला है, इस क्या कहते हैं रैंकर्स का भी आपने रिजल्ट निकाला है, वो भी तो प्रोग्रामर ने ही काम किया है, चाहे वो NIC वाला है, चाहे आपके पास परमानेंट नहीं है, लेकिन जब वो काम कर सकते तो हमारा क्यों नहीं कर सकते? हमारा भी तो वही प्रोसेस होनी है ना। और एग्जाम कंट्रोलर आते हैं, आप उनको क्यों मतलब आप उनका क्यों ट्रांसफर कर रहे हो? आप 1 महीने उनको और होल्ड में रख दीजिए ना, जब आपको पता ऑलरेडी कि 7 भर्तियां और है बची हुई, तो आप उनको 1 महीने में क्लियर नहीं कर सकते? क्योंकि सर, वो मैडम आई हैं, उन्होंने 6-8 महीने लगे उन्हें काम सीखने में, अब कोई नए आएंगे वो भी तो इतना टाइम लेंगे, तो आप इतनी भर्तियां कहाँ एडजस्ट करेंगे? तो जो ये अभ्यर्थी हैं, उनका यही कहना है कि लगातार आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है, लेकिन जो नियुक्ति है नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। मैम, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? सर, मेरा नाम अपूर्व भंडारी है, मैं उत्तरकाशी से आई हूँ। 3 साल हो चुके हैं, बीत चुके हैं, और लगातार आप धरने प्रदर्शन भी करते रहते हैं नियुक्तियों की मांग को लेकर, क्या लग रहा है आपको? सर, वही जानने के लिए हम लोग आए कि आप लोग कर क्या रहे हैं। जब हम यहाँ पे 31 जनवरी को आए थे, उस दिन शाम को तो अध्यक्ष साहब शाम को 4 बजे आए, तो 5 बजे उन्होंने हमको टाइम दिया मिलने का, तो हम सवेरे 10 बजे से 5 बजे तक यहीं रहे, और 5 बजे जब हम मिले उनसे तो उन्होंने ये बोला था उसके कि हम संवाद निकाल रहे हैं, और उसमें आपकी भर्ती जो है उसको हम मार्च 2 वीक में मतलब आपका रिजल्ट निकाल करके DV की प्रोसेस आगे कर लेंगे। तो हम लोग यही सोच करके यहाँ से निकले थे कि अब मार्च में सीधा 2 वीक में DV के लिए आएंगे, लेकिन सर 3 वीक स्टार्ट हो गया और अभी तक भी इनका कुछ है। मोनिका थपलियाल, यहाँ लोकल देहरादून से। अब तक कितनी परीक्षाएं आप दे चुके हैं और क्या लग रहा है, जो कनिष्ठ आयोग की परीक्षा आपने दी थी, 3 साल बीत चुके हैं, 14 साल लग गया सर। एग्जाम तो हमने दे दिया, अभी तक अपनी लाइफ में 5-6 बार तो दे ही दिए एग्जाम, 10 तक तो वीडियो क्लियर हुआ था, उसमें भी आपको मालूम ही क्या हुआ प्रोसेस,
कि सर क्लर्की कल का सर मार्च की सेकंड वीक हमें बोला गया कि रिजल्ट तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। सर जब आप खुद ही सोचिए जब फाइनल रिजल्ट अभी तक नहीं आया है तो कब उसकी डीवी होगी, कब वो प्रोसेस चलेगी, कितना हमारी लंबी प्रोसेस खींच गई है। सिर्फ हमने लास्ट जब 30 मई 2022 को हमने सिर्फ टाइपिंग दी थी, उसके अलावा इसमें कोई भी प्रोसेस नहीं की गई क्लर्क में, कुछ भी सुध नहीं ली गई, मतलब बेहोस पड़ा है, उसे क्लर्क से कोई मतलब ही नहीं है। अब आगे आज आप यहाँ पर आए हैं तो आगे अब आपकी क्या कुछ रणनीति? सर हम चाहते हैं कि इसी दिन हमारा रिजल्ट भी जारी कर दिया जाए, इसी वीक हमें रिजल्ट चाहिए और डीवी डेट चाहिए। जो अभ्यर्थी सर आपका नाम क्या है और आप कहाँ से? मेरा नाम भगवती प्रसाद है और मैं देहरादून से यूँ रानी पोखरी से। तो सर जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, तो नाम तो इसका चयन आयोग है लेकिन ये कहीं ना कहीं चयन नहीं कर पा रहा है, और हमारी जो भर्ती है इसे विज्ञप्ति को चौथा वर्ष शुरू हो चुका है, तो एक इंतजार की भी एक हद होती है ना। आप किसी काम को एक बार दो बार तीन बार दस बार कब तक आयोग हमें इस तरह से परेशान करेगा रुलाएगा, और सभी छात्र अपने महत्वपूर्ण काम को छोड़ कर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, हम भी कोई घरों से फालतू नहीं है, हम सभी भी फैमिली वाले लोग हैं। तो आयोग से हमें ये कहना है कि आप बस आश्वासन मत दो, आप हमें आज ही ये बताओ, आज ही रिजल्ट जारी करो और उसके बाद हमारा 10 से 15 दिन के भीतर जो है वेरिफिकेशन शुरू होना चाहिए। हमारी ये मुख्य मांग है आयोग से, और एक ही मांग है केवल, कोई इसमें ज़्यादा वो नहीं है। और पिछली बार जब संवाद आया था उसके बाद 50 दिन हो चुके हैं, तो 50 दिन में क्या वो काम नहीं हो पाया है जिस वजह से हमारी भर्ती रुकी हुई थी, ये एक सोचने का बिंदु है। और अगर रुका हुआ था तो क्या अभी भी रुका रहेगा, तो वो भी स्पष्ट करना चाहिए आयोग को कि किस बात पे भर्ती रुकी हुई आखिर। तो उसमें कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि गोल मटोल घुमाया जा रहा है ना, तो यही कहना है अभी। आपका नाम क्या है आपका? सर मेरा नाम अरविंद सिंह असवाल है, मैं धनोल्टी टीरी गढ़वाल से हूँ। सर हम लोग जो है अगर मैं तो पिछले साल अगस्त से यही है, हर दिन यहीं पे आ रहे, लेकिन अब जो बात पहुंच गई, अब वो जो हमारे चेयरमैन साहब है बिल्कुल झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। हम यहाँ पे 31 जनवरी को आए थे तो उन्होंने न्यूज पे जो है 6 फरवरी से डीवी हो रहा, वही आनंद फानन में उन्होंने जो है कि भीड़ जो है यहाँ से खत्म हो जाए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक संवाद जारी किया कि आपका जो है मार्च के सेकेंड वीक में हो जाएगा। फिर हम परसों 9 तारीख को आए थे, उन्होंने कहा कि 15 से आपका रिजल्ट आ जाएगा और डीवी हो जाएगी। तो मतलब ये बेवकूफ बनाने वाली बात है कि इतने बड़े पद पे ये वो बैठ रखे और हम लोगों को बेवकूफ बना रहे। हमने भी तो पेपर निकाल के 2.5 लाख बच्चों से यहाँ पे अपना कंपटीशन क्लियर किया और तब जाके सेलेक्टेड हुआ। 2-2, 4-4 पोस्ट तो आती है, उनमें से 2.5 लाख में से निकल के आते, लेकिन वो लोग हमें जो है बिल्कुल बेवकूफ समझ रहे हैं और हर बार जो है झूठ बोल रहे हैं। अभी भी जाएंगे तो वो कहेंगे 22 तारीख को आपका रिजल्ट आ रहा और चले जाओ यहाँ से, बस और कुछ नहीं। फिर हम यहाँ पे फोन करते हैं इनके लिए तो कोई कहता कि यहाँ एग्जाम कंट्रोलर नहीं है, कोई कहता कि यहाँ पे जो है कुछ हो नहीं रहा, कोई कहते एक महीने बाद, कोई कह रहे कि अभी रुको अभी रुको। मतलब एक साल से इनका यही चल रहा कि अभी रुको अभी कुछ नहीं हो रहा, तो होगा कब कुछ, यही इनका वो है। इतने बड़े पदों पे बैठ रखे लेकिन इनके पास कार्य करने का ना तो अनुभव है, अगर अनुभव होगा भी तो बिल्कुल करना नहीं चाहते। हम लोगों को इन्होंने बिल्कुल परेशान करके रखा, हमारे साथ जो है हमारे घर वाले भी परेशान हो गए, एक एक साल हो गए, गांव वाले भी पूछते कि क्या हो रहा, तो घर जाना भी मुश्किल हो रहा है। लोग जो है एक एक साल से अपने घर नहीं गए, अपने माँ बाप से नहीं मिले हैं और यहाँ पे तैयारी कर रहे। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि करणपुर जैसे एरिया में रह रहे वहाँ रूम का रेंट भी ज़्यादा पड़ता, तो खर्चा निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर घर वाले भी परेशान, हम लोग भी परेशान, और ये लोग जो है जानबूझ के बेवकूफ बना रहे। इनके पास करने का पूरा यहाँ पे संसाधन दे रखा सरकार ने और सारा व्यवस्था भी, स्टाफ भी पूरे, लेकिन जानबूझ के वही है कि शोषण करना है, लोगों का खून पीना है, बस यही इनकी आदत। शायद शुरू से इन्होंने ऐसा किया और अब इनको आदत भी यही पड़ रही, तो बहुत परेशान कर दे इन्होंने हमें। जो अभ्यर्थी हैं सर, इनका साफ तौर पर यही कहना है कि आयोग जो एक तरीके से देखा जाए तो पूरी पंचवर्षीय योजना ये बनकर रह गई है और अभी तक हमारी जो है नियुक्ति नहीं हुई है। आप ये देख रहे हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, और यहाँ पर आज फिर से एक बार जो है वो अभी युवा पहुँचे हैं, कनिष्ठ सहायक के जिन्होंने परीक्षा दी थी वो यहाँ पर पहुँचे हैं, और आज इनका अपनी मांग को लेकर कि जल्द से जल्द इनकी नियुक्ति की जाए, इनका रिजल्ट क्लियर किया जाए। लेकिन आयोग की ओर से हर बार इनको मिलता है तो क्या सिर्फ आश्वासन। आज भी अब देखना यही होगा कि आज आयोग इनकी रिजल्ट कब तक इनकी डेट देता है, क्या कुछ आज इन्हें आश्वासन मिलता है। देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड, सच की आवाज़।